सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेके डबल एस बी जेई सिविल का रिसेंटली पेपर हुआ था दिसंबर में। सो जितने भी सेट्स आए थे उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत आए हुए हैं। सो उनको डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, ये सेट है दैट इज 6 दिसंबर शिफ्ट 2 में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्विपमेंट फॉर प्लेन टेबल सर्वे। अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें प्लम्बिंग है, स्प्लिट लेवल है, कंपास है और ऑल ऑफ दीज है। और इसमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। बट ये जिस क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया नॉट द इक्विपमेंट फॉर द प्लेन टेबल सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे की अगर बात करें तो इक्विपमेंट यूज करते हैं, प्लम्बिंग यूज करते हैं, स्प्लिट लेवल भी यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं। सो जो करेक्ट आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ, कैसे देखने हैं रेफरेंस के साथ। सो रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं एसके दुग्गल की बुक है सर्वेइंग वॉल्व नंबर 1, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें अगर इक्विपमेंट की बात करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट है, पेज नंबर 373 पे मेंशन है कौन कौन से इक्विपमेंट है। एक तो आपको बोर्ड रिक्वायर्ड होता है, दूसरा आपको ट्राईपॉड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है आगे देखते हैं। थर्ड आपको क्या एलिडेट रिक्वायर्ड होता है, देन ट्रफ कंपास आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर द इक्विपमेंट की बात करें तो, और आपको स्प्रिट लेवल भी आपको रिक्वायर्ड होता है और प्लम्बिंग फॉग भी रिक्वायर्ड होता है। सो अगर आप देखें तो कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, तो अभी मैं रेफरेंस दे दिया हूँ, इसमें प्लम्बिंग भी आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, स्प्रिट लेवल भी होता है, टर्फ कंपास भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट वर्ड ना होके क्या होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, तब ये करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन गलत गिवन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन और है। अब क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन आईडी 226, इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 दिसंबर शिफ्ट 2 में, ठीक है। इसमें क्या है, द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, इट इज ऑप्शन गिवन है, इट इज एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, ग्रेडियंट एंड सुपर ग्रेडियंट। और आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है, और सॉरी इसमें जो आपको आंसर गिवन है करेक्ट आंसर वो है क्या, सुपर एलिवेशन है, ठीक। ये जो आपको करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है, वो आपको गलत दिया गया है, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए। अब आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, रेफरेंस है हाईवे इंजीनियरिंग की बुक, कौन सी बुक है, खन्ना एंड जस्टो। खन्ना एंड जस्टो में आप जाइएगा तो पेज नंबर 145, पेज नंबर 145 पर मेंशन है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की डिफिनेशन पढ़े, द ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग इट्स लेंथ ऑफ द रोड विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ऑलरेडी मेंशन है कि रेट ऑफ द राइज और फॉल अलोंग इट्स लेंथ ऑफ द रोड, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट। बट जो एग्जाम जो आंसर की दिया गया है उसमें क्या है, दैट इज करेक्ट आंसर क्या है, एलिवेशन गिवन है, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, फर्दर हम और भी डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।